तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। और फाइल बैक आ चुके हैं अपने न्यू कंटेंट के साथ, और इस कंटेंट में आपका सभी का स्वागत है। और ये कंटेंट जो होने वाला अलग एक डिफरेंट कंटेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी लाइफ, हम जो प्रोफेशनल कैरियर बनाते हैं उस कैरियर में तो हमें बहुत सारे इंटर्नशिप, जॉब वगैरह वगैरह का डिमांड होता है। तो उस चीज़ को दूर करेंगे और फाइनली अपने पीसीएस के पे चलेंगे। आपको अपनी प्रोफाइल कैसी बनानी है, लिंक्डइन के ऊपर कैसे क्या पोस्ट करने, कब करने, नहीं करने, और वहाँ से कैसे अप्लाई करने, और सारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड एंड जॉब रिलेटेड। तो प्लीज़ अब वीडियो देखना, कंटिन्यूसली देखना, यदि आपको नीड है जॉब प्लेसमेंट इंटर्नशिप का। मेरे पास रेफरेंस है इंटर्नशिप का, जिसमें प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलना, ठीक है? और कैसे क्या अपनी प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन के ऊपर, आपका रिक्रूटर व्यू करता है या नहीं करता है, ये अब बहुत बड़ी डिमांड। मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा, अभी अपना प्रोफाइल भी दिखाऊँगा लिंक्डइन का, वहाँ पर मैंने कैसे क्या रखा है और मेरे प्रोफाइल कौन व्यू करता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं वो लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कितने रिक्रूटर हमारी फाइल व्यू करते हैं। तो कोई प्रीमियम देने की दरकार नहीं है, कुछ करने की दरकार नहीं, तो फाइनली अपने पीसी स्क्रीन पे चलेंगे। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो जरूर देखना। हाँ, प्लीज़ वीडियो को फॉलो जरूर करना, लाइक कर देना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मैं किस तरह का वीडियो और लाऊँ। और ज़्यादातर मेरा अब तो कंटेंट चेंज होने वाला है, क्योंकि मेरा फ़ोन बीच में क्रैक हो चुका था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट ठीक ठाक चल रहा है तो मैं अभी वीडियो बना ले रहा हूँ। और बहुत जल्द हम लोग एक न्यू फैमिली में इन करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। और मिलते हैं अपने स्क्रीन पर, चलते हैं अपने स्क्रीन पर और बताते हैं आपको लाइव डेमो के साथ मैं अप्लाई भी किया हूँ और कौन मेरा प्रोफाइल देखता है, कौन रिक्रूटर है नहीं। तो फाइनली चलते हैं स्क्रीन पर। फाइनली आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और लिंक्डइन का प्रोफाइल देख सकते हो। आपको किस तरह की क्या क्वालिटी रखना चाहिए वो आपको चाहिए। आपको किस साइड में इंटरेस्ट है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप किस तरह लिंक्डइन प्रोफाइल पे रखना है, आपकी प्रोफाइल कब व्यू होता है। तो चलिए इसके साथ लाइव डेमो देखेंगे कैसे अप्लाई करने नहीं करने। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको पास जो भी एक्सपीरियंस है रिसेंटली उसे अपलोड करते रहे ना। जैसे मैंने रिसेंटली स्पीकिंग ज्वाइन किया था जो से स्किल का, तो जिसका सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया था, सॉरी ये कॉपी हो चुका है। और तो फाइनली ये देख सकते हो तुम, यहाँ पे मैंने आई हैव कंप्लीटिंग द जो से स्किल स्पीकिंग करके मैंने डाल दिया था, 88% नंबर आए। इससे क्या होता है, आपका रिक्रूटर्स व्यू करते हैं, वो देखते हैं आपके पास क्या अचीवमेंट है, जिससे आपका प्रोफाइल व्यू रैंकिंग में ज़्यादा ऊपर आते हैं। और जैसे मुझे इस बैनर का, यदि बैनर बनाना हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको कैसे बैनर यूज़ करते हैं। आप प्रॉपरली देख सकते हो उसका क्या क्वालिटी है नहीं है। और फाइनली, और मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप कर रखा था, तो मैंने वो सारे चीज़ अपलोड कर दिया रिसेंटली। मैंने जय श्री राम से लाइफ इंश्योरेंस से मैंने इंटर्नशिप किया, तो मैंने उसका भी अपलोड कर दिया हूँ। जिससे क्या होता है कि हमारे रिक्रूटर ना, आपको जब अप्लाई करते हो कोई भी फॉर्म, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ही वो चेक करते हैं आपके पास क्या है, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या ऐसी बैंड या क्या कला है। तो चलिए मैं फॉर्म भर के एक दिखाता हूँ, जो एक मिनट भी नहीं लगेंगे, फॉर्म मैं फिल करूँगा और सब कुछ लाइव डेमो के साथ आपको दिखाने का मतलब ये है, जो आप समझो कैसे करते हैं। हाँ, और सारे वीडियो कंटेंट आपको मैं दिखाऊँगा, तो प्लीज़ आप फॉलो कर लेना। जॉब प्लेसमेंट आप जितने भी कंटेंट आएंगे ना, जॉब रिलेटेड आएंगे, तो उसको आप मिस मत करना। तो फाइनली फाइनेंस ऐसे मैनेजमेंट का है, तो मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। इजीली अप्लाई होता ही नहीं होता है, क्योंकि जब आप अपलोड करते हो तो मैंने ऑलरेडी सारा मेंशन कर चुका हूँ, तो फाइनली सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना रिज्यूम बनाने, आपको नहीं आता तो मैं फॉर्मेट दे दूँगा उसका भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या करना है, ठीक है? और मैं इस पर सबमिट पर अप्लीकेशन करता हूँ, और मैंने फाइनली सबमिट कर देता हूँ और रिव्यू फॉर अपना अप्लीकेशन देखता हूँ। फॉर्म सबमिट हो चुका है और देखते हैं मेरा एप्लीकेशंस किधर है। तो सी एप्लीकेशंस में जाएंगे और वहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स रिक्रूटर होगा वो, उसके पास हमारा ऑलरेडी सबमिटेड हो चुका, और मैंने इतने सारे फॉर्म भरे थे। और मुझे देखो, मैं ट्रैवल कंसल्ट सेल्स में ऑलरेडी पहले भी भर रखा था, तो उसका मैं चलो दिखाता हूँ आपको अपना मेल ओपन करके, यानी वहाँ से ऑफर आती नहीं है। और ओरिजिनल में लिंक्डइन पे बहुत सारे क्या होते हैं, फेक भी होते हैं रिसेंटली मुझे जो लगता है, बट यहाँ पे देखो मेरे पास मेल भी आया था, ईमेल मार्केटिंग के लिए मुझे ऑफ़र दिया गया था, 22 से 45 हज़ार के भी सैलरी था, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा
ऑड एरिया में था और मुझे वो पसंद नहीं है। ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो प्रमोशन ब्रांड प्रमोशन से होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ईमेल मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट्स होते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल जो आपको बनानी है ना, अट्रैक्टिव बनानी है, जैसे व्यूअर्स ना आपके फॉर्म सबमिट होते देर आपके जाए तो वो पता चल जाता है ना आपका लिंक्डइन प्रोफाइल से, आपका आप कैसा किस टाइप की पर्सनैलिटी वाले डेवलपमेंट कर सकते हो, हमारी कंपनी को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हो, किस तरह से ब्रांड पोजीशनिंग कर सकते हो, ये सारा चीज़ आपका डिपेंड होता है आपके प्रोफाइल पे। तो देखो रिक्रूटर, हम दिखाते हैं अपना रिक्रूटर, और रिक्रूटर क्या जैसे अब थोड़ा नेट स्लो है इसके लिए सॉरी, और बैक जो नॉइस आ रहा हो उसके लिए भी सॉरी, बहुत जल्दी रिसॉल्व हो जाएंगे। तो देख दो मेरे में पिट प्लेसमेंट कैरियर ने भी मेरा प्रोफाइल व्यू किया, सारे लोग मेरे जो एच आर है ना ज़्यादा मेरे प्रोफाइल रिक्रूटर ही मेरे प्रोफाइल व्यू क्यों कर रहे हैं। अब देख सकते हो 7 वर्कर जो अभी मेरे स्वास्थ्य में निकला था, तो 7 लोग मेरा वर्कर ने मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल देखा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।